आपका स्वागत है सर्च न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश के आज के मुख्य समाचार पर, उसके बाद हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें। लेकिन ये जानने से पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप का लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और इस ग्रुप पे आप जम्मू कश्मीर से संबंधित सारी लेटेस्ट न्यूज एंड वीडियोस पा सकते हैं और इसी के साथ हमारी वीडियोस को आगे शेयर भी करते रहे। और अब चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं क्या है दिन का पहला मुख्य समाचार। पहला समाचार, हवाई सफर हो सकता है अब महंगा। दूसरा समाचार, मासूमों पर कोरोना का कहर, 9 महीने में करीब 1.5 लाख बच्चों के सर से उठा माँ बाप का साया। अगला अहम समाचार, भारत के कोविड टीकाकरण अभियान का आज 1 साल पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर से चौथा समाचार, जम्मू कश्मीर में आज से वीकेंड कर्फ्यू जारी रहा। और अब विराट कोहली का टेस्ट कप्तान, पोस्ट छोड़ने का फैसला व्यक्तिगत था, सौरभ गांगुली ने कहा। दर्शकों चलिए आइए अब इन समाचारों को थोड़ा विस्तार से सुन लेते हैं। पहला समाचार, अब हवाई जहाज से सफर करना महंगा हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच इस महीने में दूसरी बार ATF के दाम बढ़ाए गए हैं। जानकारी हो कोरोना और अन्य कारणों से बीते साल अप्रैल से अब तक 1.47 लाख से अधिक बच्चों ने अपने माँ या पिता और कुछ ने दोनों को खो दिया, आज चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। तीसरा समाचार, कोविड-19 के खिलाफ नेशन वाइड टीकाकरण अभियान ने रविवार को 1 साल पूरा कर लिया। इस पूरे 1 साल के दौरान टीके के करीब 156.76 करोड़ डोजेज दी गयी। चौथा समाचार, जम्मू कश्मीर में आज भी वीकेंड कर्फ्यू जारी रहा, नॉन असेंशियल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस देखी गई और कल से खुल जाएंगे बाजार एक बार फिर। पांचवा समाचार, BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने ये कहा कि टीम के कप्तान के रूप में 33 वर्षीय के कार्यकाल को श्रद्धांजलि देते हुए विराट कोहली का भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में पोस्ट छोड़ने का निर्णय व्यक्तिगत था। और अब समय आ चुका है नजर डालने का जम्मू कश्मीर की दिनभर की खबरों पर। दिनभर की खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। चलिए आइए एक और नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 3,499 नए कोविड केसेस पाए गए। जम्मू डिवीजन से 1,210 और कश्मीर डिवीजन से 2,289 रिकवरीज हुई और 6 कोविड मौत रिपोर्ट की गयी। जानकारी हो गणतंत्र दिवस से पूर्व सुरक्षा बलों ने सांबा के सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाया तलाशी अभियान। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रविवार को भी वाहन एक तरफा ही चले। सुबह से शाम तक केवल श्रीनगर से जम्मू के लिए वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई, जबकि उधमपुर में घाटी जाने वाले सैकड़ों वाहनों को दिन भर रोक कर रखा गया। जानकारी दे दे पूर्व CM महबूबा मुफ्ती दौरे पर पहुंची जम्मू में कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रशासन के जन विरोधी फैसलों का करे विरोध। जम्मू कश्मीर की पांचवी खबर, कोविड केसेस में स्पाइक को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में वीकेंड्स में वापसी के साथ कश्मीर में टूरिस्ट विभाग ने टूरिस्ट की परेशानी मुक्त यात्रा की मांग की है ताकि टूरिस्ट क्षेत्र पर कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। इसी के साथ अगली खबर, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से बड़ी खबर सामने, जहां पर सड़क से फिसलकर 100 फुट गहरी खाई में गिर जाने से 2 भाइयों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया, अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। सातवीं खबर, श्रीनगर के सराफ कदम इलाके में ग्रेनेड फेंके जाने से एक नागरिक और एक पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं, अभी और डिटेल्स इस ग्रेनेड अटैक से आना बाकी है। आठवीं खबर, डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने जम्मू संभाग के व्यापारियों के एसोसिएशन से तीसरी लहर के बीच कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। और आखिरी खबर, वेदर रिपोर्ट्स के साथ मौसम विज्ञान विभाग के एक बयान में कहा गया कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 16 से 19 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बहुत हल्की सी बारिश हिमपात की संभावना के साथ मौसम आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की सी मध्यम हिमपात। दर्शकों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। ये था आपके समक्ष जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें, दिन भर के टॉप 10 हेडलाइंस जो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। ऐसी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। हमारी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। फिलहाल घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कोविड जिस तरह से बढ़ता जा रहा है कोविड SOPs का पालन करते रहे, सबसे इम्पोर्टेंट बात मास्क पहनना ना भूले। फिलहाल दीजिए इजाजत, जय हिंद।